आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करें। आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के आपको इंटरव्यू देना है। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल लाइफ इन लंदन। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कास्ट इंटरव्यू के ऊपर। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मेरा कास्ट का जो इंटरव्यू था वो कैसा रहा था, कितना लॉन्ग इंटरव्यू रहा था, तो उसके ऊपर आज का ये मेरा वीडियो होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख। मेरा जो कास्ट का इंटरव्यू था वो अराउंड 20-25 मिनट का इंटरव्यू चला था, लेकिन मेरा इंटरव्यू जो कास्ट का हुआ था वो दो बार ही हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो पुअर कनेक्टिविटी की वजह से मेरा इंटरव्यू जो वो आधे में स्टॉप हो गया था। फिर उसके बाद मुझे वापस से वो इंटरव्यू रीशेड्यूल करना पड़ा था। सो मेरी यूनिवर्सिटी जो BPP यूनिवर्सिटी है उनके अकॉर्डिंग में जो अगर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर नेक्स्ट इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा तो वो 15 दिनों के बाद शेड्यूल होगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करें। आप अपनी पहले से ही कनेक्टिविटी इंटरनेट को चेक करें। तो आप अपने किसी भी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के लिए जब कास्ट का इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो भी क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कर रहे हो वो उस हिसाब से प्रिपेयर करो कि जब भी वो आपको क्वेश्चन करे या उसके ऊपर आपको काउंटर क्वेश्चंस करे तो उसके आंसर आपके पास रेडी हो। तो कास्ट का जो इंटरव्यू है वो बेसिकली आपको 3 टॉपिक्स पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर उसको प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक रहता है। सेकेंड पार्ट जो रहता है वो उनका हमारे UK के जो कोर्स के रिलेटेड के क्वेश्चंस होते हैं वो उसके ऊपर पूछते हैं कि क्यों इस कंट्री में आना चाहते हो, क्यों ये कोर्स। यूनिवर्सिटी कास्ट के इंटरव्यू के लिए आपको क्वेश्चंस करती हैं तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो जो आप लोग उसे क्वेश्चन कर रहे हो उसके रिलेटेबल आप आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, वो कुछ पूछ रहे हो और आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के ऊपर, इंट्रोडक्शन के टॉपिक में। उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन के टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस किए थे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस में। उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में उन्होंने मुझे क्या क्या सवाल किए थे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट्स में वो हमसे जेनेरिक क्वेश्चंस ही करते हैं कि व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, फिर आपके फैमिली में कौन कौन रहता है, आपके पापा का फैमिली बिजनेस है या वो जॉब करते हैं, अगर फैमिली बिजनेस है तो कौन सा फैमिली बिजनेस क्या है उनका, जॉब है तो जॉब का टाइटल क्या है, अगर आपने स्टडी की थी तो कौन से स्टडी की है, कहाँ पे स्टडी की है, वो आपकी स्कूलिंग वगैरह का भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सारे बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो वो आपको जस्ट टू चेक क्योंकि आप कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो सब चेक करने के लिए वो क्वेश्चंस। के बाद उन्होंने मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, तो हमें उसके बारे में बताना है कि अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली बैचलर कोर्स के लिए आ रहे हो तो आपको वो बताना है कि आपने 12th साइंस लिया था या कॉमर्स लिया था या आर्ट्स लिया था। फिर मैंने बैचलर कंप्लीट करने के बाद मैंने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे बैचलर डिग्री के सवाल किए थे कि आपने बैचलर डिग्री कहाँ से की है, कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके बैचलर डिग्री में, फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था, क्यों वो सब्जेक्ट फेवरेट था। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको आंसर ऐसे ही देने हैं कि जिसके ऊपर अगर आपको वो काउंटर क्वेश्चंस करते हैं तो वो आंसर आपको ऑलरेडी पता हो, ऐसा नहीं कि वो टाइम पे फिर आप सोचने बैठ जाओ कि अरे यार इसका क्या आंसर देना पड़ेगा, ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन, मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि अगर वो मुझसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, तो वो मुझे कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो उनको तो उसके ऊपर अगर आपको काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके आंसर आपके पास पहले से ही प्रिपेयर हो, कि जब इंटरव्यू के टाइम पे फिर वो आपको क्वेश्चंस करे और आप ऐसे ही सोच में बैठ जाओ या ऊपर देखने लगो या आसपास देखने लगो, सो ये नहीं करना है। आंसर ऐसे ही देने हैं, ईजी वे में आंसर देने हैं, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं कुछ अच्छा दिखाने के लिए हेवी सा आंसर दे दूँ और फिर अगर उसके ऊपर आपको काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके पास आपका आंसर ही ना हो। सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके बाद आता है सेकेंड पार्ट जिसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो हमारी स्टडी के रिलेटेड होने वाला है, जो हम कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड होने वाला है, तो वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वो पार्ट में उन्होंने मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस करे थे, सो उन्होंने पूछा कि वाई UK,
तो मैंने उनको सिंपली क्वेश्चंस का आंसर ये दिया था कि यूके इसलिए क्योंकि यूके का वेदर बहुत अच्छा है, फिर यूके की यूनिवर्सिटी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके से जो भी स्टडीज़ करके बाहर निकलते हैं तो यूके की जो डिग्री है वो हर कंट्री में वैलिड है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर आपको उस तरीके के देने हैं ताकि उनको वो एकदम ही कन्विंसेबल लगे कि नहीं ये जो है उनका प्रॉपर जो एम है वो सिर्फ एडमिशन लेके एजुकेशन लेना है। फिर वो आपके कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितने लंबा ड्यूरेशन है, फिर आपका जो कोर्स का लेवल है वो कौन सा है। जैसे कि मैं मास्टर डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया था तो मास्टर डिग्री के लिए यूके का जो लेवल है 7 है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कौन से इनटेक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको ध्यान में रख के याद रखना है। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किया था कि डू यू नो अबाउट योर मॉड्यूल्स, जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है उस कोर्स के जो मॉड्यूल्स है वो कितने मॉड्यूल्स है। फिर वो आपके कोर्स के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि मेरा जो कोर्स है वो MSc हेल्थ के लीडरशिप का कोर्स था, तो उन्होंने मुझसे उसके ऊपर क्वेश्चंस किए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द लीडरशिप। आपको एक्सप्लेन करना रहता है कि लीडरशिप क्या है, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको एज अ लीडर प्रेजेंट कर सकता है, आप क्यों इस कोर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव हुए और आपने ये कोर्स को अप्लाई किया। फिर उन्होंने मुझे ये क्वेश्चंस किया कि अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेरा जो लास्ट इंटरव्यू का जो टॉपिक था जिनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस किया था, जैसे कि आपकी हॉबीज क्या है, फेवरेट स्पोर्ट्स गेम कौन सी है, फिर जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर वो काउंटर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर विराट कोहली या MS धोनी मेरी फेवरेट क्रिकेटर है, तो फिर उसके ऊपर वो काउंटर क्वेश्चंस करते हैं कि विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ क्या है, MS धोनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उन्होंने अब तक के हाईएस्ट रन कौन से किए हैं। तो मेक श्योर ऐसे ही आंसर्स बोलो कि जिसके ऊपर अगर वो आपको काउंटर क्वेश्चंस करते हैं तो उसको उसके आंसर आपको पता हो। मैं बोल रही हूँ कि मेरे विराट कोहली और MS धोनी मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं, और उसके बाद अगर वो मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने हाईएस्ट ODI मैच में कितने रन किए और वही मुझे नहीं पता है, तो फिर आपकी इंप्रेशन वहाँ पे गलत दिख सकती है। सो मेक श्योर कि जो भी आप आंसर दे रहे हो तो जनरल टॉपिक्स में उसके ऊपर अगर आपको वो काउंटर क्वेश्चंस करते हैं तो आपके पास उसके आंसर हो। बाद में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको मेक श्योर कि आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के आपको वो इंटरव्यू देना है, जैसे कि आपकी इंप्रेशन इंटरव्यूअर के सामने अच्छी हो और आपकी इंप्रेशन वहाँ पे डाउन हो। तो ये चीज़ों पे आपको खास ध्यान देनी है जब आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो इंटरेक्शन, जब भी आप इंटरेक्शन कर रहे हो इंटरव्यूअर के साथ तो वो ऑनलाइन ही आपका इंटरव्यू होगा, तो मेक श्योर कि आप कैमरे में देख के आंसर करो, ना कि आप इधर उधर देखे या फिर कोई भी आंसर देने के लिए आप ऊपर देख रहे हो और बोल रहे हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उनकी कैमरे में देख के आपको आंसर देने ताकि आप कॉन्फिडेंट दिखो। आपको आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई ही रखना, इतना कॉन्फिडेंस दिखाना है कि जो भी आप आंसर दे रहे हो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हो, कि उनको लगे कि नहीं ये जो भी आंसर है वो रट्टा मार के नहीं आए हैं, वो एज अ जनरिक आंसर ही दे रहे हैं और उनको उसके बारे में नॉलेज है। जब आप कॉन्फिडेंस से आंसर देते हो तो उनको लगता है कि नहीं इनको आंसर पता है। आपके जो आंसर्स है वो रिलेटेबल होने चाहिए जो भी वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि उनको लगे कि हमने टू दी पॉइंट आंसर दिए, ना कि कुछ पूछ कुछ कर रहे हैं और हमने आंसर कुछ दिया है। सो ये चीज़ों पर भी आपको ध्यान रख के अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। बस तो मेरा इंटरव्यू जो है वो 15-20 मिनट चला था, ऐसे कोई इतना हार्ड इंटरव्यू नहीं लेते, जस्ट वो आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं। उसी के लिए ये बेसिकली इंटरव्यू शेड्यूल होता है कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आपकी इंग्लिश नो डाउट, ऐसा नहीं वो एक्सपेक्ट करते कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलो, पर जो भी आप बोल रहे हो एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडेबल हो और जो वो बोल रहे हैं वो आप उनका प्रॉपर आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वही सारी चीज़ों के ऊपर वो इंटरव्यू लेते हैं। तो दैट्स इट, ये था मेरा इंटरव्यू के ऊपर वीडियो, जो मैंने स्पेसिफिकली मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आपको इंटरव्यू के टाइम पे घबराना नहीं है और कॉन्फिडेंस से ही आपको इंटरव्यू देना है, तो आप अपना इंटरव्यू ज़रूर क्रैक कर लेंगे। आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और यूज़फुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय गाइज़।